अवंतिका यूं तो कहने को पॉश कॉलोनी में गिनी जाती है, लेकिन यहाँ पर गंदगी का अंबार देखकर पॉश कॉलोनी वालों का शर्म से जीना मुहाल हो रहा है। मैं डीडी 171 में रह रही हूँ। मैंने कंप्लेन की थी, यहाँ पे 172 और 73 में बहुत ज्यादा गंदगी थी। हम लोग सभी परेशान हैं बहुत ज्यादा, इतनी गंद आती है बहुत बुरी तरीके के साथ। हम लोग जिस टाइम पे बरसात के मौसम है ना, सांस नहीं ले पाते यहाँ पे, हमारे बच्चे इतने परेशान होते हैं। यहाँ के निवासियों को अपने घरों में रिश्तेदारों परिचितों को बुलाने में शर्म महसूस होती है। सड़कों का बुरा हाल है और इन सब के लिए जिम्मेवार यहाँ की अवैध रूप से चुनी हुई RWA है। इतना सब कुछ होने के बावजूद इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती, और यदि कुछ कोई करने की कोशिश करता है तो उसको ये लोग धमकाते हैं। इसके अध्यक्ष ने तो सिर्फ वसूली और अपनी नेतागिरी के लिए कुछ गुंडों को पाल रखा है, जिनसे ये सीधे साधे लोगों को धमकाते हैं। और यहाँ पर जितने भी मकान बनते हैं, सभी के यहाँ पर GDA के अधिकारी भेजकर उनकी मिलीभगत से वसूली करते हैं। अब उत्थान समिति यहाँ पर आगे आई है और कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही है। उसने यहाँ पर अपने सदस्यों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। बहुत ज्यादा संतुष्ट, बहुत अच्छा लगा मुझे इस चीज के लिए कि आप लोगों ने पहल की। कम से कम कोई तो सामने आया, जो आज तक मतलब कोई भी चीज के लिए सुनवाई नहीं होती थी, कि कम से कम इस ग्रुप से जुड़ने के बाद में लोगों को पता तो चल रहा है कि वो क्या रहा है, हमारा पैसा कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। इसी क्रम में उत्थान समिति द्वारा यहाँ पर मंदिर की सफाई भी की गई है। नालों की सफाई खुद उत्थान के सदस्यों ने की है। JCB से खाली प्लॉटों की भी सफाई करवाई जा रही है। आज उत्थान समिति के द्वारा हमारे ब्लॉक में सफाई कार्य किया जा रहा, जो लगभग 3-4 साल से लंबित था। कुछ खाली प्लॉटों में काफ़ी सारी झाड़ियाँ हो रही हैं, नाली वगैरह यहाँ बंद हैं, जिनका कार्य उत्थान समिति द्वारा सुचारू रूप से किया गया। हमें बड़ा प्रसन्नता हुई ये देख कर, तो बड़ा हर्ष हुआ। आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि समिति करती रहे और जो हमसे सहयोग हो सकेगा वो करें। मेरे बगल के जो है दो प्लॉटों में जो है बहुत झाड़ियाँ और जो है वो हो रही थी, जिसमें जो है सांप वाप आने की जो है संभावना बनी हुई थी। तो आज उत्थान समिति के द्वारा जो है स्वयं अपने प्रयास से उनके द्वारा जो है ये दोनों प्लॉट साफ करा दिए गए। उनका मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन ये एक दिन का कार्य नहीं है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि आप भी खुद अपने अगल बगल सफाई रखें, और यदि आप अपने बगल के प्लॉट वालों के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके उनको सफाई के लिए बोलें, नहीं तो आप हमें प्लॉट मालिक के कॉन्टैक्ट नंबर दें, ताकि हम उनकी प्रशासन से शिकायत करके उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा सतेंद्र भाई साहब का, इन्होंने निस्वार्थ भाव से आकर के इस कॉलोनी में उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और अभी हमारे सामने एक प्लॉट पड़ा हुआ है जिसमें काफ़ी समय से कोई सफाई नहीं हुई है, कितने गंदगी और पेड़ खड़े हुए थे। उन्होंने खुद हमारे बिना किसी शिकायत के, बिना किसी कहने के बावजूद भी वो अपने आप स्वयं इनिशिएटिव लेकर के उन्होंने आकर के उसको साफ सफाई कराई। मैं ऐसे प्रयास की सराहना करता हूँ और ऐसे लोगों के साथ सहयोग करने में हमें कोई संकोच नहीं है। हम सबसे निवेदन करता हूँ अगर इस तरह का प्रयास सभी लोग करते हैं मिलजुल करके, तो इस कॉलोनी को ऊपर उठाने में, इसका नाम ऊंचा करने में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं बहुत खुश हूँ कि ये लोग यहाँ पे, इतने सालों से गंदगी पड़ी थी और इन लोगों को हमने बोला तो ये यहाँ पे आके सफाई करवा रहे हैं। कल बोला और आज आ रहे हैं। उत्थान समिति का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पे आके काम ही नहीं कराता है और इन्होंने करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मोहल्ले में हमारे अभी जो है एक ग्रुप ने काम करना शुरू किया है, उत्थान समिति वाले हैं, और जो काम कर रहे हैं सफाई का और खाली प्लाट में जो है सारा वो हटाने के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम आगे इनके लिए काम के लिए जो है शुभकामनाएं भी देते हैं और ये भी कहते हैं कि ऐसे उत्साह के साथ में ये काम जो है आगे भी करते रहें।
आप सभी लोगों को खुद ही सफाई रखनी होगी और इसके लिए सभी को जागरूक करना होगा। हम जिस तरह से अपने घर को स्वच्छ और सुंदर रखते हैं, हमारा फर्ज है कि हम अपनी कॉलोनी को भी इसी तरह स्वच्छ और सुंदर बनाएं। तो आइए, हमें आप सभी के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये उत्थान सबसे जो काम करा रही है स्वच्छता का, ये बहुत गंदगी फैली हुई थी, ये बहुत सराहनीय काम है और आगे भी हम लोगों को मिलजुल कर ही कराना चाहिए ये काम। आप हमें अपना सहयोग दीजिए, हम आपको स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित अवंतिका देंगे। आइए हम सब मिलकर स्वच्छ, सुंदर, हरित और सुरक्षित अवंतिका का निर्माण करें।